संत ऋषि मुनि महात आत्माएं अवतरित होती रही है। ये पुण्य आत्माएं समाज को इन बुराइयों से मुक्त करने के लिए अपना जीवन खपा देती है। परम पूज्य स्वामी नारायण गुरु जी जैसी पुण्य आत्मा ने भी जातिवाद, ऊंच नीच, संप्रदायवाद के खिलाफ समाज को जगाया, समाज को एकत्र किया। आज शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की बात हो, सामाजिक बुराइयों से मुक्ति की बात हो, छुआछूत के खिलाफ समाज में नफरत का भाव हो, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। हम कल्पना कर सकते हैं कि श्री नारायण गुरु को उस दौर में कितना परिश्रम करना पड़ा होगा, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी होगी। साथियों, श्री नारायण गुरु जी का मंत्र था फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, स्ट्रेंथ थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थ्रू इंडस्ट्रीज। समाज में सुधार के लिए दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों को सशक्त करने के लिए उन्होंने ये रास्ता हम सबको सुझाया था। वो मानते थे कि गरीब, दलित और पिछड़े तभी आगे बढ़ पाएंगे जब उनके पास शिक्षा की शक्ति होगी। वो जानते थे कि समाज जब शिक्षित होगा तभी आत्मविश्वास से भरेगा और आत्मनिरीक्षण कर पाएगा। और इसलिए उन्होंने सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने और उसके लिए आवश्यक संस्थाओं को खड़ा करना। आज देश विदेश में श्री नारायण गुरु जी के विजन को आगे बढ़ाने में कितनी ही संस्थाएं जुटी हुई है। श्री नारायण गुरु ने समाज के हर व्यक्ति को जोड़ने का कार्य किया। चमत्कार और डकोर्थलों से दूर उन्होंने मंदिरों में सच्चाई, स्वच्छता ऐसी प्राथमिक बातों पर बल दिया। उन्होंने बुद्ध जी को जो मंदिर में अस्वच्छता बढ़ाते थे, पूजा पद्धतियों में जो गैर जरूरी चीजें शामिल हो गई थी उन्हें हटाकर श्री नारायण गुरु ने नई व्यवस्था का रास्ता दिखाया। उन्होंने मंदिरों में पूजा पर हर किसी का अधिकार कायम किया। शिवगिरी पिलग्रिमेज भी एक तरह से समाज सुधार के उनके व्यापक विजन का ही एक विस्तार है। ये श्री नारायण गुरु के विजन का ही प्रतीक है कि उन्होंने शिवगिरी पिलग्रिमेज को शिक्षा, स्वच्छता, सत्य शक्ति, संगठन शक्ति, ज्ञान विज्ञान, किसान सभी के साथ जोड़ा और इनके विकास को पिलग्रिमेज के लक्ष्यों में शामिल किया। उन्होंने कहा था, मेक यूज ऑफ ऑल दैट नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ, देन द पीपल एंड द कंट्री विल प्रोग्रेस
and prosper. This is the main objective of Sivagiri pilgrimage. मुझे खुशी है कि 85 वर्षों से लगातार शिवगिरी पिलग्रिमेज के दौरान इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाते हैं, उनके अनुभव सुने जाते हैं. आज भी यहां इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज जुटे हुए हैं. मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, सत्कार भी करता हूं और यह उम्मीद भी करता हूं कि आपके विचारों से लोगों को कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा. भाइयों और बहनों, शिवगिरी पिलग्रिमेज एक तरह से ज्ञान का वो कुंभ है जिसमें जो जो डुबकी लगाता है वो तर जाता है, सिद्ध हो जाता है. कुंभ मेले के दौरान भी अपने विशाल देश को एकता में समेटने का प्रयास होता है. संत, महंत, ऋषि, मुनि, आचार्य, भगवान सब लोग जुड़ते हैं, समाज के सुख दुख पर चर्चा करते हैं. समय के साथ कुछ बदलाव भले आ गया हो, लेकिन वो एक जमाना था जब कुंभ के मेले के स्वरूप में एक और बात विशेष रूप से रही. हर 12 साल पर साधु संत जुड़ते थे और देश के कोने कोने से जुड़ते थे. फिर तय किया जाता था कि अब भविष्य के लिए समाज की दिशा क्या होगी, देश की दिशा क्या होगी, समाज की कार्यशैली में किस तरह का बदलाव किया जाएगा. ये एक तरह से सामाजिक संकल्प होते थे. उसके बाद हर 3 साल के बाद अलग अलग स्थानों पे, जैसे कभी नासिक में, कभी उज्जैन में, कभी हरिद्वार में कुंभ के यानी छोटा कुंभ होता था और उसमें 3 साल के बाद इसकी एनालिसिस की जाती थी कि भाई हमने जो कुंभ मेले में तय किया था वो कहां तक पहुंचा, लोगों ने स्वीकार किया नहीं किया, इन सारी बातों का एक प्रॉपर रिव्यू किया जाता था. मुझे उम्मीद है कि आप सभी जब साल अंत के इस अवसर पर मिलते हैं तो इस बारे में सार्थक बातचीत की जाती है कि पिछले साल जो चर्चाएं हुई उसका परिणाम क्या आया, क्या जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता श्री नारायण गुरु ने दिखाया हम उस तरफ कुछ कदम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े. साथियों, शिवगिरी पिलग्रिमेज हो या कुंभ महाकुंभ हो, समाज को दिशा दिखाने वाली, देश को उसकी आंतरिक बुराइयों से दूर करने वाली ऐसी परंपराएं आज भी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है. देश के अलग अलग राज्य में इस तरह की पिलग्रिमेज देश को एकजुट करती है. अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं, एक दूसरे की परंपराओं को देखते समझते हैं और एकात्मकता की भावना के साथ संगठित होते हैं. साथियों, केरल की ही पवित्र धरती पर आदि शंकराचार्य ने अद्वैत का सिद्धांत दिया था. अद्वैत का सीधा साधा अर्थ है जहां द्वैत नहीं है, जहां मैं और तुम अलग नहीं है, जहां मेरा और पराया नहीं है. ये भाव जब जन्म लेता है तब वो अद्वैत को साकार करता है और ये रास्ता
नारायण गुरु ने दिखाया, नारायण गुरु ने ना सिर्फ अद्वैत के सिद्धांत को जीकर दिखाया बल्कि पूरे विश्व वैश्विक समाज को रास्ता दिखाया कि उसे कैसे जिया जा सकता है। भाइयों और बहनों, शिवगिरी पिलग्रिमेज शुरू होने से भी 10 साल पहले श्री नारायण गुरु जी के नेतृत्व में अद्वैत आश्रम में रिलीजियस पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था।